साथियों, आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस अध्यक्ष और सोनिया गांधी ने बताया कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत का लोकतंत्र मुर्दा हो गया है। कारण यह है कि कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज हो गया, सीज हो गया। हमारे यहां कहावत कही जाती है, खेत खाए गधा और मार खाए जुड़ा। मित्रों, कांग्रेस अपनी गलती के कारण, कांग्रेस अपनी कुरीतियों के कारण, कांग्रेस अपनी भ्रष्टाचार के कारण, कांग्रेस ने जो देश के साथ गलत काम किए उसके कारण कांग्रेस चुनाव हार रही और सारा ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फोड़ती है। आज जो अकाउंट उनका फ्रीज हुआ, उनकी गलती है। 2020 और 21 में कांग्रेस पार्टी ने अपने अकाउंट को चार्टर, जो प्रमाणित चार्टर अकाउंट है उसे प्रमाणित करके चुनाव आयोग को जमा नहीं किया और बार बार नोटिस आने के बावजूद भी इधर उधर देखती रही, जिसका नतीजा हुआ कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर पेनाल्टी और टैक्स आईटी डिपार्टमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लगा दिया। इसमें क्या गलती है किसी की? और इसके बाद जब कांग्रेस पार्टी ने चीफ इनकम टैक्स अफसर के यहां निवेदन किया तो उनका निवेदन खारिज हो गया। फिर कांग्रेस पार्टी हाईकोर्ट पहुंचती है और निवेदन करती है, वहां से भी इनकी अपील खारिज हो जाती है और आज सुप्रीम कोर्ट में गए। इन तमाम बातों को छुपा करके देश के सामने जो देश की तस्वीर राहुल गांधी ने पेश किया है, जो निकम्मापन का परिचय दिया है, इसकी तीव्र निंदा चारों तरफ हो रही है। देश में लोकतंत्र है, राहुल गांधी की यह पुरानी आदत है, जब भारत में रहेंगे तो लोकतंत्र खतरे में, जब लंदन जाएंगे तो बोलेंगे लोकतंत्र खतरे में, जब अमेरिका जाएंगे तो लोकतंत्र खतरे में। जनता इनको वोट नहीं दे रही है, इनकी हताशा और निराशा जब झलक रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या दोष है? गलती अपने करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को दोष करेंगे, दोष देंगे, ऐसा चलने वाला नहीं। आपकी करतूतों का फल आपके सामने मिल रहा है। धन्यवाद।